हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेक पेंग का एक नया वीडियो पे। दोस्तों रियलमी की तरफ से दो तीन दिन पहले लॉन्च किया गया था नार्जो सीरीज़ को, जहाँ पे नार्जो 20, 20 एंड 20 प्रो हम लोगों को देखने को मिला था। और इसी सीरीज़ के बाद अब फाइनली टीना पे और एक रियलमी की तरफ से नया सीरीज़ लिस्टेड हुआ है, जिसका नाम है रियलमी क्यू सीरीज़। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम रियलमी क्यू सीरीज़ का जो रियलमी क्यू फ़ोन है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो हम लोगों के सामने फाइनली आके पहुँच चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग प्लीज इस वीडियो के एंड तक देखोगे और शेयर करोगे। हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि प्लीज दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा शेयर कर दो। अब दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। सो देखो दोस्तों, ये जो रियलमी क्यू सीरीज है इसके अंदर कितने सारे फोन आएगा ये तो अलग बात है। हालांकि यहाँ पे क्यू सीरीज, वी सीरीज, एक्स सीरीज, बहुत सारे सीरीज के बारे में बात चल रही है रियलमी की तरफ से, बट ये क्यू का अगर मैं बात करूँ रियलमी क्यू पे, यहाँ पे आप लोगों को 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन एंड 20:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। अब ये एक बजट फोन होने वाला है, तो मेरे को लगता है 60Hz से ज़्यादा आप लोगों को स्क्रीन रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसका फाइनल जो अगर कुछ प्रो वर्जन निकाला तो हो सकते वहाँ पर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिले। बट बेस वेरियंट का अगर मैं बात करूँ जो रियलमी क्यू नाम से आने वाला है मार्केट में, उस पर आप लोगों को 60Hz का ही स्क्रीन देखने को मिलने का चांस। अब दोस्तों अगर मैं आ जाता हूं नेक्स्ट जगह पे, जहां पे रैम का बात करूं तो 3 रैम ऑप्शन है, 4GB, 6GB एंड 8GB, एंड उसके साथ साथ यहां पे आप लोगों को 64GB, 128GB, 256GB का रोम भी मिल जाता है। जहां पे रैम जो है वो हो सकता है LPDDR4X रैम, एंड जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बजट प्राइस रेंज पे आप लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कैमरा का बात करूँ तो यहाँ पे 48MP का प्राइमरी शूटर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आइदर मैक्रो और जो डेप्थ सेंसर है वो कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये प्राइस पॉइंट पे रियलमी जो अभी तक फ़ोन निकलते आ रहा है उसके हिसाब से 4K 30fps अल्ट्रा HD पे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने का सुविधाएँ मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है एक पंच होल कैमरा देखने को मिले जहाँ पे 16MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ रहेगा, जो एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे 1080p पे आप लोग वीडियो शूट वगैरह कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे वेस्ट पे, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा। एंड प्रोसेसर का जो बात हो रहा है यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 2.4GHz के साथ क्लॉक होगा। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर होगा ये तो पता नहीं, बट मेरे को जितना लगता है इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी अभी तक जो भी दे रहा है जिस प्रोसेसर को, उस हिसाब से G95 या G90T ये दोनों प्रोसेसर में से किसी एक प्रोसेसर हो सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैटरी के मामले में, तो बैटरी यहाँ पे 4900mAh का बैटरी, कुछ फास्ट चार्जिंग रहेगा कि नहीं इसके बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये टोटल स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 15,000 प्राइस रेंज का इसका जो बेस वेरियंट है वो देखने को मिल जाएगा। बट मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो 16,000 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होने का चांस है। हालाँकि ये एक 5G फ़ोन होगा तो इसलिए चांस है इसका जो प्राइस है वो 16,000 अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक बजट 5G फोन के प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च करने का कोशिश करेगा रियलमी। तो दोस्तों अब ये फोन कब इंडियन मार्केट पे हम लोग देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जितना दूर तक लग रहा है आप अक्टूबर फर्स्ट वीक पे इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक नहीं हुआ तो मिड अक्टूबर तक आप लोगों को शायद ये फोन देखने को मिल जाए। अब इसके बारे में और अगर कोई भी जानकारी मेरे पास आया तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे जुड़ सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी मेरा यूट्यूब का ये जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की देरी खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।